सो हे गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं और इसमें जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज होंगे उन सभी का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे, फॉलो कर लो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूं कि कल मुझे किस टाइप की वीडियो अपलोड करना है। तो प्लीज़ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड परफेक्टली इरेज करना नहीं आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इजीली सीख सकते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे फर्स्ट वाले फोटो को आपको कुछ इस टाइप से क्लिक करा लेनी है। आपको हाथ कुछ इस टाइप से कर लेना है और पैर भी आपको कुछ इस टाइप से कर लेना है। फिर आपको इसका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से इरेज कर देना है। इरेज कर देने के बाद फिर आपको सेकेंड फोटो कुछ इस टाइप से क्लिक करा के इसको भी आपको इरेज कर लेनी है। फिर आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ये वाले बैकग्राउंड को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के फिर आपको चले जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में चले जाने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस लेयर पर क्लिक करके फोटो लेयर पर चले जाना है। फिर आपको इस वाले पीएनजी को ऐड करके डन पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको प्लस लेयर पर क्लिक करके फोटो लेयर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस वाले टायर के पीएनजी को ऐड कर देना है। फिर आपको इस लेयर को इसके नीचे कर देना है। फिर आपको प्लस लेयर पर क्लिक करके फोटो लेयर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस वाले टायर के पीएनजी को ऐड करके डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्लस लेयर पर क्लिक करके इस ग्रास के पीएनजी को भी ऐड कर देना है। ऐड कर देना है। फिर आपको एक एम्प्टी लेयर बना के आपको इसके नीचे कर देना है। इसके नीचे कर देने के बाद फिर आपको ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको इस बाइक के पीएनजी को ऐड कर देना है। फिर आपको इस बैकग्राउंड पर इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर देने के बाद आपको चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है प्लस लेयर पर, और यहाँ पर आपको एम्प्टी लेयर क्लिक करके इसको आपको नीचे लेके चले जाना है और इसको बाइक के नीचे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके अपने मॉडल के पीएनजी को ऐड कर देना है। फिर आपको इसको बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है और ताकि बाइक छोटा बड़ा ना दिखे। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट कर देने के बाद फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बाइक वाला लेयर को आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको साइज आपको कुछ इस टाइप से मैनेज कर लेनी है। फिर आपको इस साइड में हल्का से इरेज कर देना है। फिर आपको इसको जूम आउट कर देना है। फिर आपको चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर। फिर आपको मॉडल वाले लेयर को सिलेक्ट करके इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पीछे वाले पैर को आपको कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है। इरेज कर देने के बाद फिर आपको लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच गया, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक और एम्प्टी लेयर को आपको क्रिएट कर लेना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो पर। इसका लेयर भी आपको इसके नीचे कर देना है अपने मॉडल के। फिर आपको ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। फिर आपको उस वाले पैर के पीएनजी को ऐड कर लेना है जिसको मैंने बताया था, इसको अलग से ही क्लिक करा लेना। फिर आपको हल्का से इसको क्रॉप कर देना है अपने हिसाब से। फिर आपको अपने हिसाब से अपने मॉडल के हिसाब से पैर को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं बाइक वाले ऑप्शन को हाइड कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट कर देने के बाद फिर आपको बाइक वाले को सी ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद फिर आपको इसको अच्छी तरीके से अपने हिसाब से बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है ताकि फेक ना लगे हमारा पैर। फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको कुछ इस टाइप से इसको इरेज कर देना है। बाकी जो बचा एरिया है इरेज कर देना। फिर आपको डन पर क्लिक करके डिस्कार्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ टूल का सारा काम हो चुका है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा बच गया, इसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में चले जाने के बाद आपको साइड को पीएनजी को ऐड कर लेना। फिर आपको साइड में कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर देने फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। इस वाले फायर पीएनजी को ऐड कर लेना है जहाँ पर मैंने स्मोक के पीएनजी को ऐड किया है, वहीं पर मैं इसको लगा दूंगा। तो इसको मैं अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ और इसका ब्लेंड पर जाके स्क्रीन आपको कर देना है। फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हार्डनेस को कम करके साइज को हल्का सा बढ़ा लेना है। फिर आपको इस टाइप से इसको इरेज करके डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। आप ऐड फोटो में चले जाने के बाद आपको इस कुल्हाड़ी की पिंजी को ऐड कर देना है और रोटरेट पर जाके आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने साइज के हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है कि कितना बड़ा मुझे कुल्हाड़ी का पीएनजी चाहिए। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से एडजस्ट करके इसकी ओपेसिटी को कम करके इरेजर टूल वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। हार्डनेस को आपको फुल कर देना है और साइज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। फिर आपको कुछ इस टाइप से इसको इरेज कर देना है, जो भी एरिया आपको इरेज करने को दिखे।
तो यहाँ से मैं इसको भी अच्छे तरीके से इरेज कर देता हूँ। आपको आराम से हर काम करना है ताकि आपका फ़ोटो अच्छा लगने लगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दे रहा हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। फिर ओपेसिटी को फुल करके डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। आपको इस वाले हेयर के पीएनजी को ऐड कर लेना है और ऐड कर लेने के बाद फिर आपको एडजस्ट में चले जाना है और यहाँ से अपने हेयर के हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। इसका सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट सारा कुछ मैनेज कर देना है। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक कर देने के बाद फिर आपको अपने हेयर के ऊपर इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करके इरेजर वाले ऑप्शन पर चले जाके हार्डनेस को आपको हमेशा कम ही रखना है। फिर आपको कुछ नीचे से इस टाइप से इरेज कर देना है। इरेज कर देने के बाद साइड साइड में भी इसको आपको अच्छी तरीके से इरेज कर देना है। तो यहाँ से मैं हार्डनेस को हल्का सा बढ़ा के थोड़ा हार्ड ब्रश से इसको इरेज कर देता हूँ। फिर आपको डन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेने हैं। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर में बना लेता हूँ। फिर आपको इसको इस साइड में कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर देना है। मैं यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आपको भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर देने फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन पे चले जाके आपको साइड साइड में कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है। और यहाँ से मैं भी हल्का हल्का इरेज कर दूँ। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में चले जाने के बाद आपको मूवी पुष्पा मूवी का पोस्टर के पीएनजी को ऐड कर देना है। ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है इसको भी और डन कर देना है। फिर आपको ऐड फोटो पे चले जाके इस वाले पीएनजी को भी ऐड कर देना है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के पीएनजी है। फिर आपको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर पुष्पा के मतलब टेक्स्ट पीएनजी के ऊपर कुछ जो भी एरिया है इसको इरेज कर देना है और यहाँ से इसको डन पर भी क्लिक कर देना है। और इस फोटो को सेव करके अब चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। लाइटरूम ऐप ओपन हो जाने के बाद ऐड फोटो पे चले जाना है और यहाँ पर प्रीसेट को भी ऐड कर लेना है और अपने फोटो को भी ऐड कर लेना है जो आपने पिक्सआर्ट में सेव किया था। फिर आपको उस प्रीसेट को ओपन कर देना है। मैंने आपके लिए प्रीसेट बना दिया है ताकि आपको ज़्यादा एडिट करने में परेशानी ना हो। फिर आपको उस फोटो को ओपन करना है जो पिक्सआर्ट से मैंने सेव किया था। तो पहले फोटो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो अब चलिए चलते हैं क्या नाम है प्रीसेट के ऊपर और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक कर देना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है जो कि आपका फ़ोटो मेरे जैसा बन जाएगा एक ही क्लिक में। और यहाँ से आप जो भी कॉन्ट्रास्ट क्लियरिटी मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं जाके थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। शेयर वाले बटन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।